question first. Yes, make a sound chain by writing two rhyming words for the each word. ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? क्वेश्चन टू में साउंड चेन बनानी है. ठीक है, कैसे साउंड चेन बनाओगे आप? राइमिंग वर्ड लिख के आपको साउंड चेन बनानी है. लेट्स रीड. मेक अ साउंड चेन बाय राइटिंग टू राइमिंग वर्ड. एक राइमिंग वर्ड नहीं लगाना है, यहाँ जो दो डैश है उसमें दो राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे भी आपको देखो ब्लू कलर का हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प आप ले सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊंगी कि वॉट इज राइमिंग वर्ड. राइमिंग वर्ड क्या है? पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स मीन्स द वर्ड विच इज एंडिंग विद द सेम साउंड. जिस वर्ड का साउंड सेम होता है, जिस वर्ड का लास्ट में जो साउंड आता है वो सेम होता है जब हम बोलते हैं, तो उस वर्ड को हम राइमिंग वर्ड कहेंगे. ठीक है, जिसका लास्ट वाला एंडिंग साउंड सेम होता है उसे राइमिंग वर्ड्स कहेंगे. गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स रीड अवर फर्स्ट वर्ड. क्या है? डी आई टी सी एच, डिच. डी आई टी सी एच, डिच. तो आप देखो यहाँ पे डिच जैसे दूसरे कौन कौन से वर्ड्स है, तो यहाँ हेल्प बॉक्स में हम सारे वर्ड्स को रीड करेंगे. सबसे पहले कम ऑन, हेल्प बॉक्स के सारे वर्ड्स रीड करते हैं ताकि हमें इसका राइमिंग वर्ड मिल जाए. ओके, प्रीच, कैच, रीच, पैच, रिच, पिच, लंच, क्रंच. अब आपने देखा ये है आई टी सी एच, डिच, तो यहाँ पे भी रिच एंड पिच. ठीक है, ये ई ए वाला जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसको हम अलग तरीके से बोलेंगे. ई ए है ना, तो प्रीच, आर ई ए सी एच, रीच. ठीक है, और ये आई सी एच यानी कि रिच, पी आई टी सी एच, टिच, तो यहाँ पे भी है डिच, तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे. कौन से वाले? रिच और पिच. ठीक है, तो लेट अस राइट द फर्स्ट वन. सबसे पहले इसमें सर्कल करोगे पिच, तो आपने पिच सर्कल किया.